नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देख सकते हो पीछे क्या सीन बन रहा है, एक यात्रा पे और आपको लेके चल रहा हूँ दोस्तों। बहुत खूबसूरत यात्रा है। तो आज मैं आपको हनुमान जी से संबंधित एक तीर्थ स्थल पे लेके जाने वाला हूँ। कहानी ये है कि जब हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए आए, तो यहाँ हिमालय में द्रोणागिरी से पर्वत उठाया था, उसका एक अंश इस स्थान पे गिरा है। तो गैस कीजिएगा कहाँ जाने वाला हूँ। सबसे पहले आप मॉर्निंग वाइब्स दे। तो कैची धाम में बहुत भीड़ लगी है। अब दादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम जा रहे हैं माँ दूरागिरी के दर्शन करवाएंगे आपको। गाइस एक बड़ा गंदा लगता है ना यार, ये जो टूरिस्ट लोग आते हैं। अभी यहाँ पर ही किसी राज्य से टूरिस्ट आए थे, हुक्का बना रहे हैं मंदिरों के आसपास। एक माता जी तो अपनी बच्ची को मंदिर की तरफ करके अपनी बच्ची का जो शौच है वो करवा रही थी। बड़ा अटपटा लगता है, क्या हो गया इस जनरेशन को। तो बड़ा गंदा है यार, आप प्लीज़ ऐसे जगहों पे आके ऐसे ना काम ना करें। मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, बोला उन्होंने मुझे टोका, बड़ा गंदा महसूस हुआ। लेकिन देखिए जो भी देख रहा है उसको इस बात का गौर करना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेसों में, खास करके धामों में ऐसा ना करें। दोस्तों एक्चुअली थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, मेरे तो कान सुन्न पड़ गए हैं। सुन्न के साथ साथ साइलेंट है यहाँ पे एकदम। तो द्वाराहाट पहुँचने वाले हैं, 10 किलोमीटर रह गए हैं, और फिर वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर माँ दूरागिरी के दर्शन आपको करवाएंगे। और सुबह 4 बजे निकल गया था, खाली पेट हूँ। और ऐसा मानते हैं कि मंदिर की तरफ जाए तो आप खाली पेट जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपकी भक्ति जो है बनी रहती है। खा के जाओगे तो थोड़ा नींद सी लगेगी और माइंड डाइवर्ट होता है। तो खाली पेट जा रहे हैं हम, और 100 किलोमीटर के आसपास अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। 4 घंटे तो हो गए हैं चलते चलते, आराम से आया था धीरे धीरे। तो देखो पीछे वातावरण कितना शांत है। दोस्तों मानस खंड के अनुसार ब्रह्म एवं लोद्र पर्वत यानी दो शिखर वाली पर्वत श्रृंखला दूनागिरी कहलाई। वहीं दो शिला विग्रहों की आदिकाल से पूजा होने के कारण इसे दूनागिरी भी कहा गया है। दूनागिरी में जो भी महिला अखंड दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है उसकी मुराद अवश्य ही पूरी होती है। गाइस अभी मंदिर की सीढ़ियाँ चल रहे हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। आप में शायद किसी को पता हो तो गैस कीजिएगा कितनी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। मेरे हिसाब से 500 के आसपास होंगी। तो यू शुड गैस टू, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सांस फूल रही है लेकिन जज्बा कम नहीं है। अजी क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब में इतना उत्साह होता है इस जगह पे आने का, जो देखते ही बनता है। तो दोस्तों अब हम मंदिर के बहुत नज़दीक हैं,
सबसे पहले खास बात आपको बता देता हूँ, यह जगह और भी पावरफुल बन जाती है कि यहाँ महाअवतार बाबा जी की तपस्वली भी है, तो उस योग गुरु के वजह से यह शक्तिशाली स्थान और शक्तिशाली बन जाता है। तो अब आपके सामने हम मंदिर के अंदर यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर टॉप पे आ चुके हैं चोटी पे, और यहाँ से मंदिर का प्रांगण आपको दिखाई देगा। ये देखिए सुंदर सा गेट आ चुका है मंदिर का, बहुत ही भव्य मंदिर है, शांत वातावरण में है और यहाँ पर आके मन को अद्भुत शांति का एहसास होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी राजा सुधार देव ने 1318 ईस्वी में दूनागिरी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। एक रोचक तथ्य और बता देता हूँ उस मंदिर के बारे में, बंगाल आर्टिलरी में ब्रिटिश सैनिक अधिकारी मेजर ई मैडन ने इस शक्तिपीठ के बारे में अपनी किताब में यह लिखा हुआ है कि देवी के मंदिर की छत नहीं थी, खुले में आकाश के नीचे दो शिलाखंडों के पुजारी पूजा करते हैं। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण वर्ष 1920 में ग्रामीणों ने करवाया। दोस्तों मंदिर के गर्भगृह में दो शिलाओं के रूप में प्रकृति पुरुष शिव पार्वती, विष्णु माया, काली महागौरी के रूप में शक्ति का पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर दूनागिरी की दुर्गा के रूप में पूजा की है। फ्रेंड्स आपने अभी दर्शन किए माँ दूनागिरी के। खास बात आपको बता देता हूँ, जब हनुमान जी लंका जड़ी बूटी लेके जा रहे थे, संजीवनी बूटी, तो जो पूरा पहाड़ उन्होंने उठाया था उसमें से एक अंश पहाड़ का इसी स्थान पे गिरा है, यही दूनागिरी पे। तो बहुत ही पावन है यह धरा और न जाने यहाँ लाखों जितने भी यहाँ पौधे हैं, औषधियाँ हैं, इनमें से कोई ना कोई संजीवनी बूटी भी हो सकती है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे देखिए मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण यह जो है बूटियाँ औषधियाँ जो हैं इनका वर्चस्व समाप्त होता जा रहा है, लेकिन अब भी हम अपने प्रयास से इनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको जब भी समय मिले तो दूनागिरी आइए और आशीर्वाद लीजिए उस धरा का जिसने हमारे श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, श्री हनुमान जी, हो सकता है यहीं आपको कहीं ना कहीं दर्शन भी दे दें। तो दोस्तों दूनागिरी से, माँ दूनागिरी से आपसे आशीर्वाद चाहूँगा अगले वीडियो तक के लिए। जय श्री राम, जय माँ दूनागिरी, जय देवभूमि उत्तराखंड।